आर वॉचिंग गली न्यूज। पेंड्रावली सीलिंग पर हुआ बड़ा हादसा, 6 गाड़ियां आपस में टकराई। इस हादसे में 3 लोगों की डेथ हुई, 6 लोग हुए घायल, 2 की हालत नाजुक बताई जा रही। सीएम एकनाथ शिंदे ने किया बड़ा ऐलान, मुंबई मेट्रो से सफर करने वालों को अब मिलेगी राहत। मुंबई मेट्रो 2A और 7 अब लेट नाइट 11 बजे तक चलाई जाएगी। थाने मानपाड़ा में बारिश होने की वजह से हुआ वाटर लॉक। भीड़ का फायदा उठाकर मोबाइल चोरी करने वाले को बोरीवली से मुंबई पुलिस ने किया गिरफ्तार, 27 मोबाइल फोन किए बरामद। बिलाल मस्जिद में जुम्मा की नमाज के बाद गाजा में जंगबंदी की अपील के लिए सिग्नेचर कैंपेन हुआ। थाने मेवली ईरानी बस्ती में आरोपी को पकड़ने गए पुलिस वालों पर हुआ पथराव, पुलिस के 10 जवान हुए घायल। साकिना का पाइपलाइन में 5 दुकान में शटर का लॉक तोड़कर हुई चोरी, गाला तोड़कर कैश किया गायब। कुल्ला में महिला ने सड़क पर बच्चे को दिया जन्म, पुलिस ने मां और शिशु को सरकारी हॉस्पिटल पहुंचाया। मराठा रिजर्वेशन आंदोलन के 3रे चरण में मनोज जारंगे पाटिल 15 नवंबर से स्टेट वाइज दौरे पर निकलेंगे। राज ठाकरे को बड़ी राहत, बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ 2010 की FIR को रद्द किया। संभाजीनगर में हुए देवेंद्र शास्त्री के प्रोग्राम में मुस्लिम शेख फैमिली ने अपनाया हिंदू धर्म, हिंदू धर्म अपनाने के बाद लगाया जय सियाराम के नारे। दिवाली के फटाके बेवक्त फोड़ने वालों पर है BMC की कड़ी नजर, मुंबई में BMC कर रही है कार्रवाई। मुंबई पुलिस के नाम से अहमदाबाद की एक महिला से हुआ लाखों रुपए का फ्रॉड, वनराय पुलिस स्टेशन में हुआ मामला दर्ज। बॉलीवुड एक्ट्रेस जयाप्रदा की बड़ी मुश्किलें, UP कोर्ट ने जारी किया नॉन बिलीवेबल वारंट। मुंबई में एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए BMC अपनाएगी नए तरीके, आर्टिफिशियल रेन और गाड़ियों के टायर को धोने की तैयारी शुरू की BMC ने। डोगरी पुलिस ने एक महिला के पास 16 ग्राम MD ड्रग्स की बरामद, जिसकी कीमत 35,000 रुपए बताई जा रही है। भारत में लोकतंत्र हिंदुओं के कारण मौजूद है, मुंबई में मनसे दीप उत्सव कार्यक्रम में जावेद अख्तर ने कहा। दिवाली उत्सव के दौरान नवी मुंबई सारसोले एरिया में वाटर क्राइसिस गरमाया, निवासियों ने तत्काल सलूशन के लिए विरोध प्रदर्शन किया। महिला कांस्टेबल का कथित तौर पर पीछा करने के आरोप में अंटाफिर पुलिस स्टेशन में तैनात पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ छेड़खानी का मामला हुआ दर्ज। मोबाइल चोरों को लेकर मुंबई पुलिस हुई सतर्क, नवी मुंबई पुलिस ने 4 मोबाइल चोरों को किया गिरफ्तार, 29 मोबाइल फोन किए बरामद। BJP नफरत फैलाती है और कांग्रेस नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलती है, कहा राहुल गांधी ने। जुम्मा की नमाज पढ़ने गए शख्स का न्यू मेजबान होटल मलाड़ के काउंटर से मोबाइल हुआ चोरी। ड्रग्स की फैक्ट्री जिस एरिया में मिलेगी उस एरिया के सीनियर PI के खिलाफ एक्शन होगा, ड्रग्स के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस का स्पेशल प्लान। तनिषा शर्मा डेथ केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक्टर शहजान खान की उनकी खिलाफ FIR रद्द करने की याचिका खारिज कर दी। सनी लियोनी ने अपने घरेलू नौकर की 9 साल की बेटी को ढूंढने के लिए मुंबई पुलिस का धन्यवाद कहा, जो जोगेश्वरी में लापता हो गई थी।